ओके जी हाँ, लेकिन यह है कि हम बात सिर्फ इस्लाम में कर इस्लाम पर करते हैं, और हम जो भी बात करते हैं ना मिराज भाई, वो हम सामने दलील रख के करते हैं, यानी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा, मतलब ये हुआ कि आप लोग मतलब मुस्लिम धर्म को भी रॉन्ग कहते हो, और अदर जो जैसे क्रिश्चियन धर्म है या हिंदू धर्म है, आप सभी को कहते हो कि वो रॉन्ग है, यही है ना सर? जी, मैं मेरे हिसाब से तो रॉन्ग है। मेरी बात करूं, मेरे हिसाब से ओके ओके मैं किसी धर्म को नहीं मानता। मैंने कहा ना, मैं सिर्फ इस्लाम सॉरी ओके मैं कोई धर्म को नहीं नहीं मानता हूं। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है सर, लेकिन बात जो है वो हम इस्लाम पे करते हैं। अब ये बताइए कि आज का जो टॉपिक है, और देखिए मिर्जा गालिब जी भाई जी को जुड़ना है तो मैं किसी को टाइमिंग के लिए निकाल देता हूं। इस सवाल का उन्हें जवाब देना है। स्मार्ट क्रिएशन भाई, आपको मैं निकाल रहा हूं क्योंकि आपने लास्ट टाइम भी कहा था कि मुझे टॉपिक पर बात नहीं करना है। ठीक है गालिब भाई, आप ज्वाइन हाँ जी, करिए। जी मिराज भाई, क्या कहेंगे आज के टॉपिक के बारे में? बताइए सर। मैं जो है ना थोड़ा लेट भी ज्वाइन हुआ था, आप वो डिस्प्ले लेके आइए जो टॉपिक था एक बार। जी गालिब भाई जुड़ चुके हैं। गालिब भाई, कुछ बात करना है मिराज भाई से, तो उसके बाद फिर हम मिराज टॉपिक स्टार्ट करें। भाई के सवाल का जवाब देना चाह रहा था जी, दे दीजिए, उसके बाद फिर हम जी टॉपिक स्टार्ट सर। करते हैं। अभी मिराज भाई कैसा है ना कि सारे, जैसे मैं अपनी बात करूं तो सारे मजहबों धर्मों में कमियां हैं, ठीक है, लेकिन गर्दन काटने का हुनर जो है ना वो इस्लाम देता है, और पूरी दुनिया में राइट विंग खड़ा करने का इकलौता जिम्मेदार इस्लाम है, पूरी दुनिया में। मानते नहीं मानते इस बात को? नहीं, ये तो बिल्कुल आप रॉन्ग बता रहे हो। गर्दन काटने के ऐसा तो कुछ नहीं ना इस्लाम में सर। अभी आप मतलब नहीं ऐसा पढ़े कहाँ तो पे है आप सर? ये समझ तो मैं सकते। आप नहीं, मैंने तो कुरान कई बार पढ़ी हुई है, मतलब तर्जुमे के साथ हिंदी में पढ़ी हुई है जी। मैंने कहीं नहीं मतलब पढ़ा हुआ है ऐसा। सुनो, कुरान तो जी मुकम्मल है ही नहीं भाई, कहाँ पढ़े हो आप? अच्छा, मुकम्मल नहीं है सर। अच्छा, आपने पढ़ा हुआ है मेरे से ज्यादा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया नहीं, बात है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अभी आप जाइए किसी भी आलिम से बोलिए कि ये सूरह तौबा की ये आयत क्या लिखी हुई है, तो तुरंत आपको घसीट के ले जाएंगे हदीसों में। अगर कुरान मुकम्मल है तो हदीसों में क्यों ले जा रहे हो भाई? सेल स्क्रीन दिखा देना इनको। देखो ना। हाँ जी, हाँ जी, मेरे को पढ़ के बताइए क्योंकि मेरे को उर्दू पढ़ना नहीं आता जी। जी सर, आपने कहा कि कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि गर्दनें काट देना, ये लिखा हुआ है मुसलमानों जो तुम्हारी मुठभीर हो काफरों से तो इनकी गर्दनें उड़ा देना। आपके सामने है कुरान की हाँ जी, आयत हाँ जी, सूरह बिल्कुल। मोहम्मद की। थैंक यू सो हाँ मच। मुठ सर, आपने बोला मुठ भेड़ हो, यानी कि लड़ाई हो या कुछ झगड़ा हो ऐसी, तो इसमें तो सर मुठ जी भेड़ होगा तो सर कुछ ना कुछ तो होगा ना सर। कैसी बात कर रहे हैं सर? अब आपका जी किसी से ऐसी लड़ाई हो जाए कि जी या तो वो आपकी जान ले ले या तो आप उसकी जान ले लो सर, तो आप क्या जी करोगे सर? आप खुद हाँ बताओ। जी अब मैं अब आप अरबी हाँ में जी, हाँ चले जी, जाएं। अरबी में लिखा हुआ है क्या? जी, लकी तुम, जब तुम उन्हें मिलो। ये मुठभेड़ जो है ना, हाँ ये तो जी, लगाते हैं गलत। अब लिखा हुआ है कुरान में लकीम तू, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ हर्ब। हर्ब का मतलब होता है जंग। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ नहीं किताल। किताल अभी का मतलब होता है तलवारों वाली जंग। ना तो ये हर्ब वाली जंग है ना किताल वाली जंग है, ये सिर्फ मिलने वाली जंग है। यानी कि जब आप मिल रहे हो इनसे, नहीं सर, इनकी गर्दनें मार देना, यहां नहीं तक नहीं कि तुम उन्हें अच्छी तरह से कुचल दो, तब इन्हें मजबूती के साथ बांधो ताकि इसके बाद छोड़ो, और एहसान करके या फिदिया लेके, एहसान करके या फिदिया लेके। अच्छा, अब मैं आपकी वाली इंटरप्रिटेशन लेता हूँ, मैं कुरान के लफ्ज जो लिखे हुए उनको जी छोड़ देता हूँ, और जो आप कह रहे हो वो लेता हूँ कि जनाब ये जंग है, तो जंग करने जा कौन रहा है? आप सर, लोग जाहिर सी बात जंग है, करो, अब मैं जंग इंडिया में करो, रहता हूँ सर, मैं बता जंग रहा हूँ सर। करो, हाँ इंडिया जी, को हाँ छोड़ जी, दें, कुरान की बातें हो रही हैं, जंग करो इन लोगों से। मोहम्मद साहब को ऑर्डर दिए हाँ जा रहे जी, हैं, जंग करो इन लोगों से जो अल्लाह पे ईमान नहीं रखते, फुल स्टॉप, और योम आखरत पे ईमान नहीं रखते। तो एक तो अगर मैं आप वाली इंटरप्रिटेशन भी लूं उस आयत की,
जबकि वो मिलना नहीं है, देखना नहीं है, जबकि वो सिर्फ ये है, चले आपकी इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं, तो जंग उनसे करने कौन जा रहा है? वो खुदा है आपकी तरफ जंग करने, या आप जंग करने जा रहे हैं उनके घरों में, उनके कंट्रीज में, उनके मुल्कों में, उनके शहरों में? आप जा रहे हैं, आपको कहा गया? किसके शहरों में सर? गैर मुस्लिमों के? अच्छा नहीं, अच्छा। मक्का के अंदर या मदीना के अंदर लड़ाई हुई थी, तो मतलब मक्का के लोग कहीं बाहर गए थे सर लड़ाई करने के लिए? मक्का के लोगों के साथ जब, मैं बता देता हूँ, अब मैं कोई मसला नहीं सर, जाने देने, जहां जाते हैं जाने दे। नहीं, ये तो छोड़ो, अभी कहते हैं कुरान मुकम्मल है, हदीसों पे आ गए बड़ी जल्दी। आ गए कोई बात नहीं सर, आने दे। नहीं 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 सर, ये तो सर कह रहे हैं ना कि मुस्लिम जो मुस्लिम है वो गए थे, मतलब मैं सर से पूछना चाहता हूँ कहाँ गए थे सर? सर मैं बता देता हूँ ना सर, टेंशन ही ना लें, मोहम्मद साहब ने जी जी कहाँ गए थे? 49 जंगे लड़ी, जिनमें से तकरीबन 30+ जंगे वो थी जो कि मोहम्मद साहब ने फौजें भेजी थी, खुद उसमें हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, अब मुझे आप ये बताएं कि उसके अंदर डिफेंसिव जंग कौन सी थी? सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंसिव जंग आप बनाते हैं बदर को, बदर के बाद आप डिफेंसिव जंग बनाते हैं ओहद को, और उसके बाद आप डिफेंसिव जंग बनाते हैं खंदक को। इन तीनों के अलावा मुझे आप डिफेंसिव बैटल्स दिखा दें कौन सी हैं। हालांकि बदर भी क्यों हुई थी, क्योंकि मुसलमानों ने तीन काफले लूटे थे, और आखिरी काफला जब लूटा था तो आपने उनके सिर्फ पैसे नहीं लूटे बल्कि उनके बंदों को मार के, उनकी औरतों को यरगमाल बना के मदीना में ले आए थे। उसके बाद उन्होंने बदर की जंग आप लोगों से लड़ी थी। आपने इस्लामियात के अलावा, इस्लामियात में जो चीज पढ़ाई जाती है उसके अलावा कभी इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश की है? हेलो जी जी हेलो जी सर, आपने हेलो आपने हाँ जी आपने बोल लिया सर। सर मैं यही तो पूछ रहा हूँ, बदर क्यों हुई थी? हाँ, आपने सुन लिया मेरा सवाल? मैं सर हाँ जी सर, आपने मैंने आपका सवाल सुन लिया सर, मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहता हूँ, बोलूँ सर? बोले सर, बोले बोले। हाँ जी हाँ जी, एक्चुअली सर आपने जो ये लाइन पढ़ी है, थोड़ा और इससे स्टार्टिंग से अगर शुरू कीजिएगा तो मैं चाहता हूँ थोड़ा ज्यादा फायदा होगा लोगों को भी, जो आपके लोग सुन रहे हैं सर। ऊपर से जो ये आप आयत सुना रहे हो सर, इसी में पता लग जाता है कि ये जो लड़ाई हो रही, जो होनी थी, क्यों हुई, और इसके बाद में भी दो तीन पॉइंट आगे ये एक लड़ाई की बात नहीं हो रही, ये आखिरी जंग, आखिरी आपको हुक्म है जिसकी बेस के ऊपर उस्मान साहब निकले थे, और सॉरी उमर साहब निकले थे, और उन्होंने तमाम दुनिया के ऊपर हमले किए थे। क्या उमर साहब को ज्यादा कुरान पता है या आपको? बिल्कुल उमर साहब को ज्यादा पता है जी। चलें, बहुत मेहरबानी। क्या उमर साहब ने इसी आयत की बेस के ऊपर इजिप्ट के ऊपर हमला किया, जबकि इजिप्ट आप लोगों से तकरीबन 2000 नहीं तो 1500 मील दूर है, इजिप्ट के ऊपर हमला किया और वहां के लोगों को मलकल यमीन बनाया और उन्हें कहा कि तुम अपने चर्चों को और अपनी इबादत खानों को, टेम्पल्स को फिक्स भी नहीं कर सकते? सर एक आपसे सवाल है, जवाब दे रहा हूँ सर, जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब देने के लिए आपसे सवाल कर रहा हूँ सर। ये आप जो जवाब दे रहे हो, हिस्ट्री की बात कर रहे हो कि कुरान की बात कर रहे हो सर? सर मैं कुरान से बता रहे हो या हिस्ट्री की तफसीर, मतलब तफसीर कहाँ से? हिस्ट्री से बता रहे हो ना सर? सर हिस्ट्री मैंने नहीं लिखी है, हिस्ट्री मैंने नहीं लिखी है, जिसने लिखी है सर आप वहाँ से बता रहे हो ना सर? और ओहद की बात की ना आपने, कहा ना डिफेंसिव बैटल, वो कहां से आपने ली? तफसीरों से और हदीसों से। तो भाईजान हेलो, मैं वही कह रहा हूँ, आप मेरे को उधर से लेने दे रहे हो सर, मैं वही कह रहा हूँ सर, आप मेरे को उधर से लेने दे रहे हो सर, उधर से लेने दिए मैंने गालिब साहब को मना कर दिया। अगर आपने मेरे को उधर से लेने दिया हो, नहीं नहीं सर, अगर आपने मेरे को उधर से लेने दिया, मैंने सर सिर्फ ये आपसे उस टाइम इतना कहा था सर, आप ये कहाँ की बात बता रहे हो सर, जब आपने बोला था इनको जाने दो, ठीक है सर? मीरज हाँ, अगर अगर आप हिस्ट्री में अगर जाने दो, जी सर, मीरज जी सर, मैंने गालिब साहब को उसी वक्त रोका कि गालिब साहब इनको उधर जाने दे, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ बिल्कुल, आपने बोला था इनको उधर जाने दो, लेकिन किस बात पे आपने बोला था सर? मैंने आपने मैंने, जैसे ही मैंने ये बोला था,
मैंने क्या सर बोला था ये बताओ? बोला था, ये जो लड़ाई हुई थी मक्का के अंदर हुई थी या बाहर हुई थी? मक्का से बाहर गए थे क्या मक्का के मुस्लिम? मैंने इतना आपसे पूछा था बस, आपने बोला था जाने दो बस, इसके अलावा तो मैंने सर कुछ नहीं पूछा था। मैं तो ओके, कहां पे हुई थी जनाब? बदर कहां पे हुई थी? मक्का में हुई थी? मैं सर आपसे पूछ रहा हूँ, मक्का में हुई थी, मदीना में हुई थी? मतलब अगर मक्का में हुई थी तो जो मक्का के मुसलमान थे क्या मक्का से कहीं बाहर जाके उन्होंने की थी बदर, या कहीं पे भी? सर यार मैंने आपसे उस टाइम ये आपको, पूछा था सर, आपको सर मेरा सवाल। अगर अगर आपको इतनी बेसिक चीजें नहीं पता तो आप इस्लाम में बैठे क्यों हैं? जी सर, आप इस्लाम में बैठे क्यों सर हैं अगर इतनी अब बेसिक चीज नहीं पता? सर सीरियसली स्पीकिंग, मैं सर अगर आपसे पूछना आप, चाहता। हाँ जी, अगर आप मुझसे यहाँ पे नहीं, आके बेसिक्स ऑफ इस्लाम हाँ पूछ जी, रहे हैं तो आप यहाँ पे डिफेंस किस चीज को कर रहे हैं? अब मैं बताता हूँ जी सर, अब आप मैं बताएं। बताता हूँ सर मेरे कहने का मकसद क्या है सर, पूरा पूरा ठीक है पूरा सर। पूरा बताएं। ये स्टार्टिंग होती है सर आज से 1400 साल पहले, जब नबी जो है हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐलान करते हैं कि मेरे ऊपर अब जो है वही आ रही है जी, ठीक है जी, वहां से स्टार्ट होती है, ठीक है जी। हाँ, अब वहां से स्टार्ट हो रही है और वो वहां से लोगों को दावत देना शुरू करते हैं कि भाई 40 साल के बाद, ठीक है सर, 40 साल के बाद, जब आपने हिस्ट्री की बात की तो मैं हिस्ट्री की बात बता रहा हूँ जी, ठीक यार है, जल्दी चालीस जल्दी साल के बता ना बाद वो यार। लोगों को दावत देना शुरू करते। अरे भैया मेरी, मैं अच्छा आपसे इधर कह ना रहा, मेरी जा, आवाज इधर इतनी ना जा, फास्ट नहीं हिस्ट्री होगी, पे आप रह, जल्दी। हिस्ट्री पे जा, इधर देखो, उधर ना रह। हाँ हाँ जी, बोलता जा, बोलता जा, हिस्ट्री पे हाँ रह, मैं इधर हिस्ट्री तू की ना बात, जा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बता। जी, हिस्ट्री पे, जी भाई जान, जी भाई जान। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ सर, उन्होंने दावत देना शुरू किया सर, ठीक है सर। अब उस हिसाब से लोगों ने उनके साथ कैसा कैसा किया, ठीक है सर, वो उस तक चुप रहे सर। आपको पता है सर हिस्ट्री की बात, ये सच्चाई है कि झूठ है सर? जल्दी जल्दी लोगों बताते ने जाए, क्या आते क्या जल्दी। किया उन लोगों के साथ जो उनके मानने वाले थे। हाँ जी, उसके बाद से जो है धीरे 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 जिस हिसाब से आयतें उतरी गई है सर, उस हिसाब से हमको लेना चाहिए ना सर। अब आप जी बोलोगे बिल्कुल। यहाँ पे लिखा हुआ गर्दन काट दिया, तो सर कहाँ, तो ये तो रोंग है ना सर आपका। अच्छा चले, अब अरे एक सेकंड अब रुक। उसके हाँ बाद से इस्लाम आया रुके किस रुके लिए रुके, सर? इस्लाम, रुके यहाँ पे हाँ हाँ एक सर, सेकंड, एक सेकंड, एक रुक मिनट जाओ रुक उसके जाओ बाद से रुको रुको इस्लाम, रुको 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 जी रुको। भाई जान, ये रुक आपने गया भी भाई जान, कहा जी, धीरे धीरे जिस तरीके से आयतें उतरती गईं हमने उस तरीके से हाँ इस्लाम को जी, लेना है, क्या यही बात आपने कही है? हाँ जी, हाँ जी, ओके, ये हाँ जी, जो मैंने बिल्कुल सूरह बिल्कुल ऑफ बिल्कुल, रिपेंटेंस आपके सामने खोली हुई है, सूरह तौबा, ये कब नाजल हुई हाँ जी बताएंगे? सर, आप ऊपर से पढ़िए ना सर मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूं अभी इस वक्त, ये जो हाँ जी, सूरह तौबा जो मैंने खोली हुई है आपके सामने, इसका हाँ जी, नजूल हाँ कब जी हुआ? फतेह सर, मक्का के नबी के बाद टाइम में हुआ हुआ और या कब होगा फतेह सर? मक्का से पहले हाँ जी हुआ? सर, फतह मक्का से पहले हुआ है जी इसका फतेह मक्का के बाद हुआ है इसका नजूल, ठीक है? सर, जंग जंग होने इसके से पहले हुआ है, जो जंग होने वाली थी उससे पहले हुआ है ये। फतेह मक्का, अच्छा इसकी चंद आयतें फतेह मक्का से पहले की है, मेजोरिटी ऑफ द आयतें फतेह मक्का के बाद की है। एक स्कॉलर दे दो मुझे, एक, सिर्फ एक, जो ये कह दे कि ये पूरी आयत फतेह मक्का से पहले है, प्लीज एक दे दो मुझे, एक सर स्कॉलर, दुनिया मैं आपसे क्या, का मैं आपसे एक एक क्वेश्चन स्कॉलर पूछ दे रहा हूँ दो सर, मुझे। आप, अच्छा अब मुझे ये नहीं, बताओ, मैं सर आपसे क्या अब पूछ मुझे रहा ये हूँ, बताओ, हाँ अब जी आप मुझसे जो भी पूछ रहे हैं ना वो बड़ी ही उसकी काम खराब हो गई है। आप वहां पे, आपकी हाँ जी गेम बहुत खराब हो गई है। अब हम देखते हैं जी कि आखिरी आखिरी अहकाम क्या हैं मोहम्मद साहब के पास जो कि वो इस पे करते हैं, ठीक है? अब हम ये देखते हैं कि सबसे पहली बात इसकी जो पांचवी आयत है उसको देखते हैं, जिसको वर्स ऑफ सोर्ड कहा जाता है। ये सर वर्स ऑफ सोर्ड क्या कह रही है आपको? आवाज सर ये जो आवाज कट रही वर्स है थोड़ी है, थोड़ी ये जो आपकी, वर्स है जिसको वर्स ऑफ तलवार कहते हैं, वर्स ऑफ सोर्ड कहते हैं, ये क्या कह रही है आपको? सर ओनली हिंदी में बात कीजिए। इसको इसको सर शमशीर की आयत कहा जाता है इस्लाम के अंदर, आयते शमशीर, ठीक ठीक है? ये है, क्या कह तलवार रही की है? आयत तलवार की आयत कहा जाता है सर, ये क्या कह रही है? जी, बताइए क्या कह रही है सर? ये कह रही है जब ये मुहतरम महीने गुजर जाएं तो कत्ल करो इन मुशरिकों को जहां पाओ और पकड़ लो इनको, घेरा हाँ, फिर सर कर आप, लो इनका, फिर आप आगे चले और गए, इनके लिए मैं वहीं पे हर कह रहा हूँ, फिर आप आगे चले गए सर। आगे नहीं गया हूं पीछे गया हूं। भाई साहब मैंने पहले आप 29वीं सर आयत हिस्ट्री दिखाई से बात कर थी, रहे हो ना? मैंने अभी 29वीं हाँ आयत जी, दिखाई थी, अब मैं आपको 5वीं दिखा रहा हूं। हाँ जी, आगे नहीं गया हाँ हूं पीछे जी, गया हूं आपको दिखाने के लिए,
जब आपने कहा ना कि कुछ मैं आयतें हिस्ट्री की बात कर रहा इसकी, हूँ सर, हिस्ट्री से तो कुछ आगे चलेगा ना आयतें, सर, हिस्ट्री। कुछ आयतें, यार सब्र लेना यार, हाँ जी तुमने अभी हिस्ट्री, मैंने तुम्हारा जो एक तुम्हारी कही हुई बात थी कि जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आयतें आई हैं, हमने उस तरीके से इसको लेना है। मैं इसीलिए तुमने जी कहा कि सूरह तौबा मक्का, फतेह मक्का से पहले लिखा है, मैंने कहा कुछ आयतें पहले लिखी हुई है। अब मैं वो आयतें दिखा रहा हूं आपको जो पहले जी लिखी हुई है, बकौल आपके, तो बकौल आपके जो पहले लिखी है वो दिखा रहा हूं कि जब मुहतरम महीने गुजर जाएं तो कत्ल करो इन मुशरिकीन को, जहां पाओ इनका घेरा कर लो और इनके लिए हर जगह घात लगा कर बैठो, फिर अगर वो तौबा कर ले और नमाज कायम कर ले और जकात दे दे तो इनका रास्ता छोड़ देना, यकीनन अल्लाह बख्शने वाला है। जी ठीक है, हाँ लिहाजा जी, आप तो लोगों जी के अल्लाह ने तो बख्श मुताबिक, भी दिया। आप लोगों के मुताबिक हुर्मते खून, हुर्मते इंसानियत सिर्फ तब है जब वो क्या करें, नमाज कायम कर ले और जकात दे, इस्लाम कबूल कर ले, वरना नहीं। जी साबित करें तो मुझे, आपने अलग से बोल दिया थोड़ा। एक तो सर इससे पहले की मेरे को आयत दिखाइए, इससे पहले की आयत दिखाइए इससे और पहले की उसके आयत बाद ले की भी लें, आयत। ये लें, हाँ इससे पहले की जी आयत ले लें, ये लें, ये हाँ लें, जी 4 और 8, मैं 4 से 8 दिखाने लगा हूं। सवाए इन मुशरिकीन के जिनसे तुमने मुआहिदा किए थे, फिर उन्होंने कुछ कमी नहीं हाँ की तुम्हारे साथ और ना तुम्हारे खिलाफ मदद की, तो यकीनन अल्लाह तकवा अख्तियार करने वालों के साथ है। फिर जब ये मोहतरम महीने गुजर लो जाएं जी, यहाँ तो से आपका कत्ल डाउट करो, क्लियर हो गया जी सभी का, कौन जो सा भी सुन डाउट, रहे हैं। कौन सा डाउट क्लियर हो गया, कौन हाँ सा डाउट क्लियर हो गया, कौन सा डाउट सर, एक बार फिर से बताएं, पढ़िए, डाउट एक बार फिर बताएं। से पढ़िए, अब आप एक बताएं, मिनट, नहीं एक नहीं मिनट एक होल्ड सेकंड, अब कीजिए नहीं मैं पढ़ रहा, क्योंकि एक सेकंड, मैं भी आपने निकाल सुन लेता लिया, हूँ, अब आपने मैं भी डाउट निकाल क्लियर लेता हूँ कर सर दिया हिंदी मेरा, में, मैं भी निकाल लेता हूँ, अब आप डाउट बस क्लियर एक कर दें मिनट जरा होल्ड मुझे, कीजिए, बट मैं सर हिंदी में निकाल लेता हूँ यहाँ पे कुरान, एक मिनट का टाइम लीजिए बस, एक मिनट, हाँ मैं जी, हिंदी आप में एक मिनट निकाल लें, लेता हूँ म्यूट कुरान कर अपने लें, एक पास, मिनट एक लें, मिनट आप जाएं, जाएं, एक मिनट लें और म्यूट करें और एक मिनट लें। सहल साहब कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मिराज भाई बताना क्या चाह रहे हैं, कि इस्लाम एक पीसफुल मजहब है ये बताना चाह रहे हैं वो। सर लग कुछ ऐसा ही रहा है मुझे, अभी तो इनके सवाल का पूरा जवाब भी देना जी बाकी है सर यही मुझे। बता रहा था। क्या बता रहे थे भाई? इनको तो ये डिटेल्स में जाना भी नहीं चाहिए, इनको ये बताना चाहिए कि मोहम्मद साहब ने और उमर साहब ने जो सामने से जा जाके जो जंगे की है उस पे इनका क्या कहना है। उनपे क्या जुल्म हुआ था नहीं हुआ था ये मसला ही नहीं ना, ये तो कोई बात नहीं है ना कि अगर आप पे कोई जुल्म करे फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर मेरे को, क्योंकि ये चीज आज तक एडम और गालिब भाई समझ में नहीं आई कि जो जुल्म हुआ था, जुल्म हुआ था, जुल्म हुआ था, जो रोना रोते हैं हमारे मुसलमान भाई, अगर मैं थोड़े देर के लिए उनकी बात मान भी लूं कि ठीक है किसी ने बड़ा जुल्म किया था मोहम्मद साहब पे, तो भाई अगर किसी पे जुल्म किया गया तो ये तो कोई बात नहीं है ना कि आप फिर दूसरों पे जुल्म करने लग जाओ, और आपका दूसरों पे जुल्म करना जो है वो सही हो जाएगा। ये मुझे आज तक लॉजिक नहीं समझ में आया एडम और गालिब भाई, अगर आप लोगों को समझ में आया तो बता दीजिए प्लीज। हाँ, हेलो जी सर, मैंने और निकाल लिया जुर्म जुर्म का का, जी सर, बदला हेलो भी, जुर्म का बदला भी ऐसा कि जाके सामने वालों के मुर्गी बकरी सब उठा लाओ, सबको मार मुर मैं के पढ़ूं सर, लड़की थोड़ा लाओ। एक मिनट मैं पढ़ूं, हाँ भाई मैं जी, पढ़ूं पढ़ो सर पढ़ो जी जी मिराज टेक्निकल जी, जी। यहाँ पढ़िए। लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, मुसलमानों जिन मुशरिकों से तुम लोगों ने सुलह का अहद किया था, अब खुदा और उसके रसूल की तरफ से एकदम बिजारी है। यानी आप लोगों ने अहद हाँ किया था, जिसने अहद तोड़ दिया था, ठीक है, आपको पता लग गया, जिसने अहद तोड़ दिया हुआ है, ठीक कहाँ पे है है सर, तोरा, आपको कहाँ पे है यही तोरा, सबसे बड़ा, आपको यही लिख सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर, है आप मिराज टेक्निकल। एक नहीं मिनट नहीं मिराज टेक्निकल, नहीं सर, यही अगर हिस्ट्री में सबसे, जाओगे सर, अगर यार रुक हदीसों जाओ में, थोड़ा हाँ मिराज जी टेक्निकल प्लीज, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे कुरान कह रहा है कि जो ट्रीटी हुई है अल्लाह उससे बेजार है, अल्लाह और मुसलमानों को प्रॉब्लम है कि क्यों वो ट्रीटी हुई, क्यों खत्म नहीं हो रही वो ट्रीटी, ये असल चीज है उस आयत में जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। यस एडम, कुछ ऐड करना है तो जी, आप ऐड अब कर मैं ऐड लो। करता हूं इब्ने कतीर को,
इब्ने कतीर साहब लिखते हैं दिस इज द आया ऑफ द सोर्ड, ये आयत है तलवार वाली आयत, ठीक है। इब्ने कतीर साहब आगे लिखते हैं मुजाहिद आमिर बिन शुहेब मोहम्मद बिन इसहाक कतैदा एंड सऊदी एंड अब्दुल रहमान बिन जईद बिन असलम, इन सब ने कहा है, क्या कहा है कि जब चार महीने मेंशन है इस आयत में तो ये चार महीने हैं ग्रेस पीरियड के, जो के इससे पिछली आयत में यानी कि चौथी नंबर की आयत में दी गई थी, चार महीने दिए गए थे काफरों को। उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह सेड सो ट्रेवल फ्रीली फॉर फोर मंथ्स इन द लैंड, मीनिंग जिसका मतलब ये है कि अपॉन द एंड ऑफ द फोर्थ मंथ के चार महीने के आखिर में, ड्यूरिंग विच वी प्रोहिबिटेड फ्रॉम फाइटिंग द एडल्टरर, जिसमें हमने तुम्हें मना किया था कि इन मुशरकीन और कुफार के साथ जंग ना करना, एंड विच इज द ग्रेस पीरियड वी गेव देम, जो कि हमने ग्रेस पीरियड दे दिया उन लोगों को, देन उसके बाद फाइट लड़ो किल कत्ल कर दो कुफार को, वेयर एवर यू फाइंड देम, जहां भी वो तुम्हें मिले, ये अल्लाह की स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्या नेक्स्ट है, मींस ऑन अर्थ इन जनरल, यानी के जमीन के ऊपर अर्थ के ऊपर जर्नली ये आयत जर्नलाइज्ड आयत है, ये किसी टाइम के लिए नहीं है, एक्सेप्ट अब एक्सेप्शन क्या है, फॉर द सेक्रेड एरिया, कि सिर्फ इस सेक्रेड एरिया जहां पे आपका खाना काबा है सिर्फ वहां ना करना, उसके अलावा पूरी दुनिया में जर्नली, ठीक है, एंड फाइट नॉट एट मस्जिदुल हराम, मस्जिदुल हराम के अंदर फाइट ना करना, अनलेस दे फाइट यू, सिर्फ मस्जिदुल हराम यानी कि खाना काबा के गिर्द सिर्फ तब तुमने फाइट करनी है जब तुम पे वो फाइट करें, वरना जर्नल स्टेटमेंट है ये, वरना जर्नल स्टेटमेंट है ये, एग्जीक्यूटिंग सम एंड कीपिंग सम इन प्रिजन, कुछ को रख लो कुछ को कत्ल कर दो, कुछ को रख लो कुछ को कत्ल कर दो, और कैसे कत्ल करना है, बिसीज देम, उनका घेरा लगाओ, लाए इन वेट फॉर देम ईच एंड एवरी एम्बुश, हर घात में वेट करो उनको कत्ल करने के लिए, एंड डू नॉट वेट अंटिल यू फाइंड देम, और इंतजार ना करो कि जब तुम उन्हें ढूंढ लो, ना 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 ना, रादर बल्कि सीख ढूंढो, बिसीज घेरा लगाओ इन देयर एरियाज, उनके अपनी शहरों में सिटीज में कंट्रीज में उनके अपने फोर्ट्स में उनके अपने किलों में, गैदर इंटेलिजेंस अबाउट देम, उनके बारे में ढूंढो इंटेलिजेंस ढूंढो, जाओ देखो इन द वेरियस रोड्स सड़कों पे फेयरवेज जहां पे वो काम काज कर रहे हैं, सो दैट व्हाट इज मेड वाइड लुक एवर स्मॉलर टू देम, ताकि जो चीजें जो जगह उन्हें बड़ी लग रही है वो उनके लिए तंग हो जाए, दिस वे दे विल हैव नो चॉइस बट टू डाई और एम्ब्रेस इस्लाम, बल्कि इस तरीके से उनके पास सिर्फ दो ही चीजें बचेंगी, या तो वो मर जाए या इस्लाम को कबूल कर लें, ये आपकी हिस्ट्री है और आप इसको डिफेंड कर रहे हैं मेरे पास अपनी मर्जी की तफसीर देके। साहिल साहब जवाब लें जी। मिराज, मिराज भाई समझ में आया आपको कुछ? जी बिल्कुल समझ में आ गया सर मेरे को, जो भाई ने अभी इतने टाइम से पढ़ा है, लेकिन भाई को मैं फिर से यही बोलना चाहूंगा कि भाईजान आप क्यों नहीं स्टार्टिंग से कोई भी चीज ले रहे हो, जब मैंने आपको बोला कि एक एक चीज जो नाजिल हुई है वो क्यों नाजिल हुई है, किस लिए नाजिल हुई है, आप ये क्यों ले रहे हो, आप ये इतना बड़ा कहाँ से उठा के। सुनो ना भाई, मेरा भाई अभी ये लगा लो, इतनी मोटी किताब है, इतनी मोटी किताब है, जब आपके आलिम लोग कुछ भी मतलब निकालते हैं किसी भी आयत को उठा के बोलते हैं, बात पहले सुन थोड़ा, किसी भी आयत किसी भी लफ्ज को उठा के उस पर साइंस वगैरह सब फिट कर देते हैं, तब आज तक मैंने किसी भी ईमान वाले को ये बोलते नहीं देखा कि भाई शुरू से बताओ यहाँ क्यों तकलीफ हो जाती है आप लोगों को, शुरू से क्या करूँ, मुझे अगर नौवे सूरे तोबा की आयत पे सवाल उठाना हो शुरू से औज बिल्लाह इब्ने शैतान रजीम पूरा पढ़ के वहां तक पहुंचूं, तो क्या एक महीने बाद जवाब दोगे आप? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, जो सूरह तौबा नाजिल हुआ है उसके नाजिल होने का आखिर रीजन क्या था भाईजान, ये तो जानो आप लोग, ये बोलने का मकसद क्या था आप लोग। अच्छा ये बताओ साहिल भाई, आप लोग आप ये लोग मानते हो कि जब स्टार्टिंग में जब
जब नबी ने ऐलान किया कि मैं नबी हूँ और जो उनके मानने वाले अनुयायी थे उनके ऊपर जुल्म हुआ था हद से ज्यादा, ये मानते हो कि नहीं मानते आप लोग? यार किसने कहा? एक सेकंड जरा पॉज करना, एक सेकंड यार, सारे लोगों के पॉज, एक सेकंड यार। अच्छा एक सेकंड से आप मतलब हदीस से दिखा के मनवा रहे हो और एक चीज कह रहे हो ये मतलब मीरज एक सेकंड, मीरज एक सेकंड तुमसे बात नहीं करने लगा एक सेकंड। मोहम्मद सैफ साहब जो कि लाइव चैट में बैठे हैं, मोहम्मद सैफ साहब वो पूछ रहे हैं साहिल साहब जरा सवाल देखिएगा, एडम तेरी बहन की कीमत बोल। यार मोहम्मद, ये मोहम्मद सैफ साहब को यहाँ लाइव चैट के अंदर, मोहम्मद सैफ साहब लगता है आप अपनी बहन को बेचते रहते हैं, लिहाजा आप समझते हैं कि सब लोग आपकी तरह हैं और सब नहीं, लोग नहीं। आपकी तरह अपनी बहनों को बेचते हैं, तो ऐसा नहीं है, आप अपनी बहन को बेचें, उनकी कीमतें बताएं, पूछें, हम ऐसा अरे काम नहीं सुनो करते। ना, रॉन्ग है ये तो, बहुत रॉन्ग है, ऐसे नहीं अरे बोलना एडम चाहिए जो भी है। भाई, जैसे मोहम्मद सैफ भाई को दूसरे की और बहन की आदम कीमत भाई, आदम भाई, एडम सर भाई, एक अरे सेकेंड, मीरज साहब आपको आप एक रुक बात जाएं, बताऊं मीरज भाई, साहब आप रुके, मीरज साहब आप रुके अरे प्लीज, गालिब साहब बोल रहे हैं, हाँ वेट करें। ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि मोहम्मद सैफ भाई का अरमान मैं चाहता हूँ पूरा हो, तो वो ऐसा करे कि मेरी बहन की कीमत लगा दे, उसका नाम फातिमा है, अब मैं देखता हूँ क्या रेट लगाते ऐसा हैं। है मिर्जा गालिब भाईजान, भाईजान एक मिनट मैं हाँ कुछ बोलूं। नहीं अभी नहीं, सुनो हमारे ना नबी की हदीस है, सुन तो लो भाईजान, सर, एक आपसे मिनट बात नहीं हो रही भाईजान, ना अभी यार, हमारे मीरज आपको कहा था ना आपसे सुन बात लो नहीं हो रही आदम अभी भाई, रुक जाए, एक मिनट, आपके लिए मैं बात करना चाहता हूँ, एक मिनट के लिए बस, एक मिनट के लिए, हमारे नबी की हदीस है भाईजान, एक मिनट के लिए सुन लीजिए बस, एक मिनट के लिए बस, हमारे नबी की हदीस है कि अगर कोई किसी को उसकी माँ की या बहन की गाली निकालता है तो वो उसको नहीं निकालता, अपने आप को निकालता है। आप इसको इग्नोर करो, वो आपको नहीं निकाल रहा, वो अपने आप को निकाल रहा है। अगर कोई बंदा आपको जानबूझ के ऐसे कह रहा है तो वो आपको नहीं निकाल रहा, वो अपने आप को निकाल रहा है, इसको इग्नोर करो। सुनो, मैं चाहता हूँ उसके अरमान पूरे हों, मेरी बहन का नाम फातिमा है और माँ का नाम आयशा है, और मैं चाहता हूँ ये दोनों की बोली लगाए। बेहतरीन, लेट्स सी वो क्या लगाता है बोली। साहिल साहब ये स्क्रीन दिखा दें ताकि सबको पता लग जाए कौन है। ये ले जी, ये मोहम्मद साहब साहब लाइव चैट में बैठे हुए, जरा स्क्रीन ऊपर चली गई थी, और मोहम्मद साहब साहब अब आप जरा कीमतें लगा दें, ये दो बहनों और माओं की बात हुई है तो आप कीमत भाईजान लगा लें अगर लगा इसमें जो सकते हैं। है मोहम्मद सैफ में और आप में कोई गैप नहीं रह जाएगा, फिर जो वो है वो आप सर हो जाओगे, देखें, तो हम फायदा कुछ क्या है नहीं ऐसे लगा बात रहे, करने में। हम कुछ नहीं लगा रहे, उन्होंने लगाया, उन्होंने चीज शुरू की है मीरे साहब, लिहाजा आप जरा चुप कर जाएं थोड़ी देर मैं के वही लिए, तो कह रहा हूँ भाईजान, वो आपसे बंदा बात अगर नहीं हो रोंग रही है, यार, ये गलत क्यों बोलता चीजें जा रहा है कर रहा है। यार, तू क्यों बोल रहा है? जब तेरे से बात नहीं होती, तेरे से बात होगी तो बिल्कुल अपनी बात के ऊपर डिफेंड करें, जो आप दें सब कुछ दें, सब्र कर ले, सब्र कर ले यार। साहिल भाई ये सैफ साहब आते हैं लाइव पे, कोई नहीं नीचे कभी बैक नहीं स्टेज में आएंगे, बैठे? ओके नहीं है नहीं है। चलें, जब सैफ साहब के पास हिम्मत होगी तो लाइव आ जाएं। अच्छा मीरा साहब आप अपने पॉइंट पे वापस जाएं, आपको इस पे बोलने की जरूरत नहीं है। साहिल साहब इनसे जी पॉइंट ले लें। हाँ, मिराज भाई आप ये बताओ यार कि मोहम्मद यानी मिसाल के तौर पे आपके इलाके में कोई मस्जिद है, ठीक है, जुमा की नमाज हो रही है, उसके बाद लोग आते हैं, नहीं और अगर मैं, साहिल यार भाई वो ठीक है, सुन आप मेरे लो से ना पूछना, यार, साहिल भाई, साहिल भाई एक मिनट, आप मेरे से पूछना, लेकिन जो मैंने आपसे पूछा था उसका रिप्लाई कर हाँ दो, हाँ उसी जो का ही आपने जवाब दे रहा हदीसों से मेरे हूँ। को बताया है हाँ उस यार हदीसों रुक में जाओ, ये है कि, हाँ जी अच्छा उसी रुक का जाओ, जवाब मैं दे रहे हो, ठीक है भाई जनाब, वही जवाब दे रहा हूँ ना यार, आपको मिसाल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा जुमा का दिन है और लोग जो है मुसलमान भाई हमारे सब नमाज पढ़ के बाहर निकले हैं, और मैं जाके वहां पे अल्लाह और मोहम्मद साहब को अगर गालियां दूं और कहूं कि अल्लाह भी झूठा खुदा है, रसूल साहब झूठे रसूल है, ठीक है, और ये बच्ची का इन्होंने बच्ची के साथ जो है वो हम बिस्तरी की है, ये पीडोफाइल है, इस तरीके से अगर मैं बोलूं तो मेरा क्या हाल होगा? मिराज साहब पहले ये बताइए। सर ये आपका क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब ही नहीं बना, मतलब है, पहले आप रीजन है मेरा इसका क्या सर, हाल होगा बताओ, फिर मैं बताता हूं मतलब आपको। मैं सर 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 जब आप ऐसा करोगे नहीं तो मैं इसका मतलब कैसे निकाल सकता हूँ सर, कैसी यार बात कर रहे हो सर, मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों नहीं होगा? मैं एक नहीं, मिनट, जब ऐसी इतने कोई चीज सारे होगी लोग, नहीं, यार जब रुक जाओ यार, मिराज साहब रुक मतलब नहीं जाओ, निकाला जा सकता सर, 40 एप्रो मैं जानता हूँ को कि साहिल भाई कत्ल ऐसा नहीं कर किया सकता, साहिल गया। एक भाई मिनट इतना रुको घटिया नहीं है, यार, यार रुक, साहिल अरे बढ़िया रुक बंदा है, ऐसा जाओ ना करी यार। अच्छा साहिल छोड़ दो यार, कोई एक इंसान चार्ली हेब्डो वाला अगर आए और मस्जिद के बाहर ये कहे कि मोहम्मद साहब जो है झूठे नबी है, अल्लाह झूठा खुदा है, और अल्लाह में ये प्रॉब्लम है, और ये एक जालिम है,
अगर इस तरीके से चार्ली हेब्डो वाला आके अगर कहे तो उसका क्या अंजाम होगा, जरा ये बताइए। हाँ, कुछ बेवकूफ लोग होंगे जो उनके साथ जो है गलत करेंगे, जो अच्छे लोग होंगे उसको समझा के भेज देंगे, नहीं भाई वो मोहम्मद साहब जो है गलत इंसान नहीं है, वो अल्लाह के आखिरी रसूल और पैगंबर है, अच्छा, जो अच्छे इंसान कितने होंगे वो ऐसे मुसलमान बोलेंगे, जो हैं, रोंग बंदे होंगे। हाँ कितने, एक जी, मिनट, कितने मुसलमान हैं जो इस तरीके की बेवकूफी करेंगे?